हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर ईच ऑफ द नंबर्स 6, 15, 20 एंड 43 टू मेक दम प्रोपोर्शनल। तो मैंने आपको, जैसे कभी भी आप कोई क्वेश्चन पढ़िए तो उसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को ये समझिए कि वो क्या कह रहा है। तो इसमें उन्होंने चार नंबर दे दिए हैं और ये नंबर की मदद से आपको, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। प्रोपोर्शन का मतलब मैंने पहले आपको बताया था, अगर कोई चीज़ प्रोपोर्शन में है जैसे ए बी सी एंड डी, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो आप इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन मीन्स टू रेशियो आर इक्वल, दैट्स व्हाई दे कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर 6, 15, 20 एंड 43 है और इसमें हम कह रहे हैं क्या कौन सा नंबर ऐड करें कि ये प्रोपोर्शन हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट एक्स बी एडेड टू ईच नंबर सो दैट दैट ऑल फोर नंबर बिकम्स प्रोपोर्शन, वो नंबर बिकम्स प्रोपोर्शन। तो जब ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से इस बात को कर पाएंगे। तो इसमें हम करते हैं तो ऐड कर देते हैं, लेट एक्स भी एडेड, तो हमने ऐड कर लिया, तो 6 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स एंड 43 प्लस एक्स आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन की क्या प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों, यस 6 प्लस 5 अपॉन 15 प्लस एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन 43 प्लस एक्स। अब हम इसे यहाँ पर बहुत इजीली तरीके से हैंडल कर लेंगे और जब हम इसे हैंडल कर लेंगे तो जो निकलेगा हमारा आंसर आ जाएगा। इसको क्रॉस गुणा करेंगे, 6 प्लस एक्स एंड 43 प्लस एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स एंड 15 प्लस एक्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 43 में तो आएगा 258 प्लस 6x और ये जाएगा 43x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर ये मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो ये आ जाएगा 300 प्लस 20x प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वायर। और एक खास बात आप बच्चों देख रहे होंगे, इसमें ये चीज़ एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल देखनी बच्चों। और देखिए एक्स 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 जोड़ दीजिए तो ये 258 प्लस 49x इक्वल टू 300 प्लस ये हो जाएगा 35x। अगेन हम 35 किधर ले जाएंगे, 258 किधर ले जाएंगे, तो 49x माइनस 35x एंड दैट बिकम 300 माइनस 258। और इसमें भी हम सॉल्व कर लेंगे 49 में बहुत इजीली 5, 4 और इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 300 माइनस 258 एंड दैट गिव्स 42। और आप जानते हैं 14 को हम बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं और टेबल आप पढ़ लीजिए 3। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई सॉरी 3 से सभी नंबर को ऐड कर देंगे तो ये प्रोपोर्शन में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हम उसे भी देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लिखा है पी क्यू आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन सो दैट पी रेशियो आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आइए इसको भी समझते हैं, क्या उन्होंने पहले दिया है पी क्यू आर इन रेशियो, आंसर नंबर 2। पी क्यू आर इन कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, तो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन आर। ये तो हमें प्रूव करना है पी अपॉन आर इक्वल टू दिस वन। तो देखिए कॉन्टिन्यूड है तो हम इसको यहाँ के मान सकते हैं, k
ये हमने मान लिया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि हाँ ये भी एक तरीका है, एक ये तरीका भी है स्टूडेंट्स, और एक और मेथड भी है। तो मैं चाहूँगा कि जब क्वेश्चन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का हो तो के मान के सॉल्व मत करिए आप, कैसे सॉल्व करें आइए देखिए। और जब प्रोपोर्शन का हो तो उसमें के मानिए, या कुछ क्वेश्चन सिचुएशनल होते हैं, दोनों तरीके से ही करते हैं। हम यहाँ पर के नहीं मानते, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू की आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखिए इसके साइड को प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव दैट क्या करना है, पी अपॉन आर पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो इसमें आप देखिए आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, वो है पी आर, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड है पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह हम पी स्क्वायर ही रखते हैं, लेकिन क्यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दें, पी आर। ये पी ए पी कैंसिल कर देगा और आ जाएगा पी अपॉन। तो आप देख पा रहे हैं ये चीज़ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये चीज प्रूव हो गई। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आसान क्वेश्चन होते हैं, पर थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर चलना पड़ता है, तभी आप उन प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, अब इसी श्रेणी में देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर। इस क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली कर पाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच।